गुवाहाटी में बाइक मिला था, गांव था, और मैं गुजरात में था। मैं पैदल घूम घूम के लोगों को इस बिजनेस को बताना शुरू किया। एक रुपया जेब में नहीं होता था, ये दुकान को उधार में बेचा था। घर पे आने के बाद गाली सुनता था। कई दिन वाइफ जो है घर की कुंडी जो है अंदर से बंद कर देती थी, बाहर से ताला मार के कि ये बाहर प्लान बताने नहीं जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ। और मेरे दोस्त, मैंने मेहनत करके भाग भाग के पहले महीना इस कंपनी का सिल्वर प्लेटिनम अचीव किया। मेरा पहले महीने का इनकम आया 9,100, पहले महीने 9,100। एक समय की बात है, मैं ट्रेन में जाके लोगों को प्लान बताता था, घूमता था कोई मिल जाए, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। हम घर में रहते हैं, इंसान को कामयाब होने का सबसे बड़ा जगह कोई है तो फील है, और इंसान को बर्बाद होने का सबसे अच्छा जगह है तो उसका घर है। लेकिन रहते कहां पे है? घर में। सुबह का नाश्ता भी घर पे, दोपहर का खाना भी घर पे, शाम का डिनर भी घर पे। घंटा चेहरा बनेगा नेटवर्कर वो होता है जो खाता है दूसरे का नाश्ता, दूसरे का खाना, दूसरे का डिनर, दूसरे का पेट्रोल, दूसरे का घर, दूसरे का, और सारा करोड़पति बन जाता है, वो नेटवर्कर है। कैसे लोग? मेरे दोस्त ट्रेन में घूमता था कोई मिल जाए। एक व्यक्ति जो है रुमाल बेच रहा था, गुटखा बेच रहा था, गले में चैन लटका हुआ था, और बोलता है गुटखा तंबाकू सिगरेट राजश्री विमल। लंबा व्यक्ति था, 55 साल का उम्र था। मैंने उसका पीछा करना शुरू किया कि जब गुटखा बेच सकता है तो तुलसी भी बेच सकता है। कैसे लो? लोग पैसे के लिए जहर बेच रहे हैं, लोग क्या क्या नहीं बेच रहे हैं। मैंने पीछा शुरू किया, 3 दबाबाद जाकर उस व्यक्ति को मैंने पकड़ा, और पकड़ने के बाद मैं बोला कितना कमाते हो? बोला 1,800 कमा लेता हूं। मैं बोला मैं दूंगा, खुद मेरा इनकम 9,000 का था। मैं बोला मैं दूंगा, नीचे उतरिए और INC शुरू करना है आपको। मेरे दोस्त उस व्यक्ति को ज्वाइन कराया, फॉर्म को लेके मैं घर पे गया। बारिश हो रहा था, मेरी बच्ची जो है भीग रही थी पानी में, मेरी वाइफ के हाथ में छतरी था, घर के अंदर लगभग 1.5 फीट पानी लगा हुआ था, पंखे चल चुके थे। मैं खुशी के मारे गया कि जाके बोलूंगा कि आज एक व्यक्ति को मैं जोड़ा, बड़ा खुशी होता होगा आपको भी। मेरी बच्ची जो है रो रही थी, जोर जोर से चिल्ला के पांव पटक के, 6ठा महीना था। वाइफ बोली कि इसका गला दबा के मार दो, क्यों पैदा किया इसको? तुम जनवार का सपना दिखाते हो, घर हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तुम झूठ बोलते हो और इतना दिन से झूठ बोलते आ रहे हो। जब 13 साल में कुछ नहीं हो पाया, तब 1 साल में 2 साल में क्या कर पाओगे? और मेरे दोस्त बैठ के मैं रोने लगा। मेरे पास जो फटा पुराना कपड़ा था, क्योंकि मैं पुराना कपड़ा शनिवारी मार्केट से खरीद के पहनता था, मैं पुराना कपड़ा जो है उसको बैग में पैक किया। मेरे पास जो भी था मैं रखा, मेरे पास फोन नहीं था, मेरे पास 1,000 का सैमसंग का फोन था, मेरे पास ट्रॉली बैग नहीं था, मेरे पास विमल का झोला था, जो विमल गुटखा बिकता है उसका झोला मेरे पास था। तो झोले को लेके मैं एक और एक्सप्रेस ट्रेन जाती है, मैं ट्रेन के चालू बोगी में बैठ गया। आपको पता है कि कितना दुख होता है उसमें, अपने बच्ची के सर पे हाथ रखा और कसम खाया कि जब तक मैं चेयरमैन नहीं बनूंगा अपने घर पे लौट के नहीं आऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।